फाइनली गाइस इतने लंबे टाइम के बाद 1.21 अपडेट आ ही गया। ओके एज यू कैन सी 1.21 अपडेट आ गया है फाइनली। ओके सो वर्ल्ड क्रिएशन में अगर जाओगे तो एक्सपेरिमेंट्स में जाकर देखोगे तो विलेजर ट्रेड रिबैलेंसिंग का बस ऑप्शन बचा हुआ है। सारे फीचर्स को गेम में डिफॉल्ट ऐड कर दिया गया। ऐसे ही अगर सीड टेम्पलेट्स में जाओगे तो जैसा कि आप लोगों को पता है ट्रायल चैंबर्स ऐड हुआ है तो उसका भी ऑप्शन सब आप लोगों को दिखने लगेगा। ओके तो ट्रायल चैंबर में जाना है तो वही सीड टेम्पलेट्स में चले जाना तो आप लोगों को ट्रायल चैंबर्स दिख जाएगा। देख सकते हो कितना ज्यादा कूल है यार, बहुत अच्छा ये स्ट्रक्चर ऐड किया गया। जितने भी नए नए आइटम्स ऐड हुए सभी आपको ट्रायल चैंबर्स में मिल जाएंगे, जैसे कि वोल्ट, नया वाला स्पॉनर, सभी चीजें आपको इसमें मिल जाएगा। जैसे कि आप देख ही सकते हो तीनों आइटम यहाँ एक ही जगह, स्पॉनर, रेगुलर वोल्ट एंड एडवांस वोल्ट भी। ओके गाइस सो ये रहा स्पॉनर, ये आपको मिलेगा ट्रायल चैंबर में। इसमें से जो भी मॉब निकलेगा अगर सभी को मार दोगे तो स्पॉनर में से आपको एक की मिलेगा। ओके सो टोटल दो की है, एक नॉर्मल की एंड एक ओमिनस की। तो नॉर्मल की देख सकते हो कुछ ऐसा दिखने वाला है एंड ओमिनस की कुछ ऐसा, ये एडवांस वोल्ट खोलता है। देखो कैसे यूज होता है, ये की लेके वोल्ट के सामने चले जाना, उस पर टैप करना तो वोल्ट खुल जाएगा एंड उसमें से आइटम्स आप लोगों को मिलने वाला है। ओके सो सेम गोज फॉर एडवांस वोल्ट। एडवांस वोल्ट देख सकते हो कुछ ऐसा दिखेगा, डिजाइन थोड़ा सा डिफरेंट रहता है एंड इसमें आप लोगों को ओमिनस की चाहिए रहे। एंड या ये वाला वोल्ट सिर्फ रेयर आइटम्स मिलते हैं एंड ये वाला वोल्ट आप लोगों को क्रिएटिव इन्वेंटरी में नहीं मिलेगा। देख सकते हो यहाँ पे हम लोग को एन्चेंटेड मेस मिल गया, सबसे रेयरेस्ट आइटम। याद होगा आप लोगों को बीटा वर्जन में मैंने आप लोगों को एक नया मॉब दिखाया था, वो भी फाइनली ऐड हो चुका है गेम में। एंड या ऑब्वियसली ब्रिज भी ऐड हो ही गया एंड ये अब सैडर्स में भी दिखने लगा है। एंड या अगर इसको आप लोग मारोगे तो ये ब्रिज रॉड गिराता है एंड इसी ब्रिज रॉड से ये मेज बनता है जो मैंने हाथ में पकड़ रखा है। ये मोस्ट पावरफुल वेपन है माइनक्राफ्ट का। ब्रिज रॉड एक और चीज बनाने में यूज आता है, विंड चार्ज। एंड विंड चार्ज कितना ओपी चीज है, बीटा वर्जन में आप लोग देखे ही होंगे। विंड चार्ज लिटरली बहुत ज्यादा कूल चीज है। इसका यूज करके मस्त मस्त क्लचेस कर सकते हो, कहीं भी चढ़ बढ़ सकते हो, बहुत ज्यादा अच्छा हाइट पे ये उछालता है प्लेयर्स को। इससे आप मॉब्स को हिट भी कर सकते हो, उनको डैमेज भी लगता है। ब्रिज को अगर आप लोग कोई चीज से हिट करोगे थ्रोएबल आइटम से तो वो रिटर्न आपके पास आएगा एंड आपको डैमेज भी लगेगा। ये क्राफ्टिंग रेसिपी मेज का, ब्रिज रोड एंड कोर चाहिए रहता है इसको बनाने के लिए एंड कोर आप लोगों को मिलेगा बस ट्रायल चैंबर में। हेवी कोर जो आइटम है वो बहुत ज्यादा रेयर आइटम है, इसलिए ये मेज बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये नया वाला क्राफ्टिंग टेबल तो आप लोगों को याद ही होगा, बीटा वर्जन में मैंने आप लोगों को इसका पूरा फंक्शनैलिटी दिखाया था कि कैसे ये वर्क करता है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो, बहुत अच्छा मैंने उसमें बनाया था इसका फंक्शन कैसे करता है। ये ऑटोमेटिक क्राफ्टिंग टेबल है, इसमें आप लोग एक बार सेट कर दोगे तो ऑटोमेटिक ये आइटम्स आप लोगों को बना के देते रहेगा। ओके सो गेम में कॉपर बल्ब्स भी ऐड हो चुके हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, इसमें बस बटन लगा के उस पर टैप करोगे तो इसमें लाइट जलने लगता है। देख सकते हो गाइस टोटल इतने सारे हैं एंड ये भी आप लोगों को ट्रायल चैंबर में ही मिलने वाला है। एंड फाइनली लास्ट आइटम ये ओमिनियस बोतल्स, इसमें 5 पोशन टोटल आते हैं। इसको अगर आप लोग पी लोगे उसके बाद जैसे ही विलेज के क्लोज जाओगे ऑटोमेटिक रेड स्टार्ट हो जाता है। ओके गाइस सो यही था 1.21। इसमें जो जो चीजें आए थे मैंने सभी दिखाई दी आप लोगों को, कुछ कुछ और चीजें हैं जो अगर दिखाना चाहूंगा तो वीडियो काफी लंबी बन जाएगी। तो आप लोग खेलो, खुद ही देखो क्या क्या चीज आया हुआ है। वीडियो को जरूर लाइक कर देना एंड कमेंट्स में बताना आपका फेवरेट क्या है जो 1.21 में आया है। मेरे से पूछो तो मेरा है न्यू क्राफ्टिंग टेबल। ओके गाइस सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना। मैं मिलता हूं आप लोगों से अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।